वेलकम टू ईशानी वीडियोस। नागिन सीजन 3 का नया प्रोमो रिलीज हो चुका है। नया प्रोमो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो जाइए वहां पर देख सकते हैं आप। वैसे आपको बता दें, आने वाले एपिसोड में और साथ ही साथ यहां पर क्या देखने को मिलने वाला है, अब आपको 18 और 19 मई को जो कि प्रोमो में दिखाया गया है, तो प्रोमो की डिटेल हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ एक और बात बताएंगे जो कि वीडियो के लास्ट में होगी। सर चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोमो की। प्रोमो में दिखाया गया है कि महानागरानी यानी अब आती है महानागरानी जो कि है मौनी रॉय और शिवांगी आती है और बेला की मदद करने और साथ ही साथ नागमणि की रक्षा करने के लिए। नागमणि अभी यहाँ पर आपको पता ही है कि है अभी तान्या यानी तामसी के पास में, और यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेगी और सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जब यहाँ पर आएगा सामने रॉकी और शिवांगी के सामने रॉकी खड़ा होगा, जिसको लेकर वो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको डायलॉगबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद में जो ट्विस्ट आने वाला है वो ये आएगा कि आखिर में ऋतिक वापस कैसे आया। अब ऋतिक भी सामने आ जाएगा, अब यहाँ पर नागमणि आ जाएगी महानागरानी के पास में और उनका प्लान धीरे धीरे करके कामयाब होने लग जाएगा। लेकिन महानागरानी के हाथ से नागमणि छीनना वो तो बहुत बेकार बात है, और तामसी और साथ ही साथ उसके बाद में यहाँ पर जो सुमित्रा है वो छीनने की कोशिश करेगी नागमणि को, लेकिन नाकामयाब रहेंगी और महानागरानी की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पर उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, क्लाइमैक्स में आपको एक थोड़ी अलग चीज़ देखने को मिलेगी। जीत तो सच्चाई की होगी ही होगी, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आएगा और एक अलग कहानी दिखाई जाएगी जो कि जुड़ी होगी यहाँ पर नागिन सीजन 1 से। अब नागिन सीजन 1 से जुड़ी जो कहानी होगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, और यहाँ पर कुछ राज ऐसे जो दफन थे वो खुलेंगे जो कि यहाँ पर आपके हो सकते हैं नागिन सीजन 2 से जुड़े हुए राज और नागिन सीजन 1 से। अब नागिन सीजन 1 से जुड़ा हुआ है आखिर में ऋतिक जिंदा कैसे बचा, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा जो सवाल था कि आखिर में शिवांगी को रॉकी ने क्यों मारा, ये भी राज इसमें खुल सकता है। लेकिन अभी इस राज पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी खुल भी सकता है नहीं भी, इसको अभी पूरी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से रुका हुआ है। पहले क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब आपको मिल सकता है कि आगे में ऋतिक जिंदा कैसे बचा। अब सबसे बड़ी बात ये जो हम आपको लास्ट में बताने वाले थे, दुश्मनों की तरफ से अब उनकी टीम जो है कम होने लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर जाएगी रोहिणी, उसके बाद में उसके चमचे, फिर जाएंगे यहाँ पर बाकी जो दुश्मन बचे हुए हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लेना और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।